अब देखो वीपीटी के थ्रू पढ़ना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, देखो जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको लिखते रहना, ठीक है। जो D1 से D3 है, ठीक है, D1 से D3 है, उनकी हमेशा हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 ही होगी, ठीक है, D2SP3 ही होगी, ठीक है। वो डिपेंड नहीं करेगा लिगेंड पर, भी नहीं करेगा, और ना ही उसमें हाई स्पिन होता है ना ही लो स्पिन होता है, ठीक है। तो याद रखना D1 से D3 के लिए हमेशा D2SP3 होता है, मतलब कि हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना, क्यों? क्योंकि देखो हमारा क्या है, D1 से D3 के बीच में, देखो समझा भी देता हूँ एक बार। D1 से हमें अगर D2SP3 करनी है तो हमें लास्ट के दो ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है, तभी हमारा D2SP3 होता है। तो ये ध्यान रखो, हमारे फर्स्ट ये कभी, ठीक है, इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में, तो अब देखो D2SP3 होता है। तो ध्यान रखना ये डिपेंड लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता, और ना ही हाई स्पिन और लो स्पिन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑलवेज इंटरनल ऑर्बिटल होता है, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। रीजन क्या है? क्योंकि हमें लास्ट के दो ऑर्बिटल चाहिए, चाहे पैरामैग्नेट, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लास्ट के दो चाहिए। तो यहाँ पर क्या होएगा, ये हमारे D2SP3 बनाएंगे, ठीक है। अगला क्या है हमारा, D4 है, ठीक है। D4 में क्या होता है, अगर वीक लिगेंड होगा तो हमारा हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, कि हमारे ये इनर वाले डी यूज नहीं होंगे, वो हमारे यूज होंगे 4s, जैसे 4s 4p है, और ये लास्ट में क्या होगा हमारे 4d वाले, ठीक है, ये यूज होंगे, ठीक है। तो 4d4 में हमारा क्या, अगर वीक लिगेंड होगा तो हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, हमारा लो स्पिन होता है और इनर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल में क्या, हमारा D2SP3 होता है। तो ध्यान है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स SP3D2 होता है और इनर ऑर्बिटल D2SP3 होता है, ठीक है। अब अगली बात आती है D6 और D5 के। D6 और D5 में भी वीक लिगेंड में हमारा SP3D2 होगा और स्ट्रॉन्ग में D2SP3 होगा, ठीक है। अब बात आ रही है उससे आगे, देखो देखो D7 के केस में क्या होता है, हमारे वीक लिगेंड के केस में SP3D2 होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में D2SP3 होता है। अब बात आ रही है, देखो D7 है, D7 ये हो गया। अब इसमें बात आ रही है, सर इसमें तो हमारे पास खाली 2D है ही नहीं, फिर हमारा D2SP3 कैसे हो रहा है अगर हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं? रीजन क्या होता है, देखो एक तो पेयरिंग कर लेते हैं, और दूसरा जो डी होता है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो इंटरफेरेंस शो करता है, मतलब क्या, ट्रांसफेरेंस, वो ट्रांसफेरेंस से यहाँ से सबसे बाहर वाले पी में चला जाता है, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पर चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा क्या D2SP3 बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये देखो, अगर ये देखेंगे हम, एग्जाम्पल क्या है मेरा, कोबाल्ट NH3 2+, ठीक है, या एग्जाम्पल CONO। तो हमें क्या ध्यान देना है, बस ये देखना है वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग। वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में आगे तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। D8, D9 और D10, ठीक है, इसमें तो कभी भी D2SP3 बनेगा ही नहीं, तो ध्यान रखना हमेशा SP3D2 बनेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो मैं सारे केसेस बता रहा हूँ, डायरेक्ट यूज होंगे, देखना तुम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आंसर दोगे, तो इनका ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है स्क्वायर प्लेनर की, ठीक है। अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें, स्क्वायर प्लेनर में हमारा देखो, अगर हम कोऑर्डिनेशन फॉर्म ऑफ 4 की बात कर रहे हैं, तो या तो टेट्राहेड्रल बनेगा या स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ठीक है। तो D8 इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड हमारा क्या बनता है, SP3 बनता है, मतलब टेट्राहेड्रल। और D8 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो हमारा क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर बनता है। स्क्वायर प्लेनर बनता है DSP2, ठीक है। देखो D7 में क्या होता है, सारे केसेस लिखते जाना, नोट्स भी भेज दूंगा, लेकिन बहुत ही मतलब मजेदार चीज है, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन देखते ही हो जाएंगे। D7 में देखो वीक लिगेंड क्या, देखो वीक लिगेंड का काम क्या होता है, सबसे पहली बात तुम्हें नहीं, अगर किसी को नहीं पता, देखो 1 2 3 4 5 ये हमारे बने हुए हैं, और ये मेरा क्या है 4s है, ये मेरा क्या है 4p है, ठीक है। ये मेरा क्या है 3d, ये मेरा 3d, ये मेरा क्या है 4s, ये मेरा क्या है 4p है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखो 7 है, तो ये मैंने बना रखा है 7, होगा क्या स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड क्या होता है, वो बेचारा इतना गरीब होता है, इतना वो होता है,
वो क्या इनकी पेयरिंग नहीं करवा सकता, मतलब अंदर वाले कमरे का खाली नहीं करा सकता ताकि उसको दो डी मिल जाए, ठीक है। तो क्या करता है, बाहर वाले जो डी है, 4P के बाद जो 4D आते हैं, जो मेरे पांच यहाँ पे 4D होते हैं, उसको क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, ठीक है। तो उसमें मेरा क्या बन जाता है, फिर बनाना पड़ता है sp3d2, ठीक है। मतलब जो वीक लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड कौन से होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस ये समझ लो, बाकी तुम्हें पता भी होगा, फिर भी आगे हम अभी पूरी टेबल आएगी जिससे हमें पता चल जाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, ये दो पेयर कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का काम क्या है, आगे पेयरिंग करवा देना, पेयरिंग करा के अपने अंदर वाले रूम खाली करवाना, ठीक है। तो ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये यहाँ चला गया, लेकिन अभी भी हमें 2D खाली नहीं मिले। तो 2D खाली नहीं मिले तो फिर भी हमारा क्या बन रहा है, हमारा d2sp3 बन रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो एक ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या, ट्रांसफेरेंस मतलब क्या, यहाँ से ट्रांसफर होके क्या 4p में चला जाता है, ठीक है। 4p भी नहीं, यहाँ पर 5s में चला जाता है। तो जब 5s में चला जाता है तो हमारा क्या, खाली हो गया रूम, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा एक डी अवेलेबल हो जाता है, जिससे मुझे d2sp3 मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एक तरह से लगा लो कि रुतबा है। रुतबा कैसे है कि भाई वो रूम खाली करा ही देगा जैसे मर्जी, ठीक है। किसकी, जब d8 की केस आती है उसमें देखो, उसमें मेरा क्या हो जाएगा, d8 में ये हो जाएगा, ठीक है, 6, 7, 8, ठीक है। उसके बाद हमारा ये तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब मेरा एक ही बचा, ठीक है, यहाँ पर एक ही डी बचा, तो वो यहाँ पर d2sp3 के लिए 2D चाहिए, तो यहाँ पर वो नहीं मिल पाते, ठीक है। जिसकी वजह से क्या, हमारा सारे के सारे हमेशा ही हमेशा क्या बनते हैं, sp3d2, ठीक है, sp3d2 ही बनेंगे, जो मर्जी आ जाए। मतलब तुम्हें देखना ही नहीं स्ट्रॉन्ग है या वीक है लिगेंड, हमें मतलब क्या होगा, हमेशा d2sp3 बनेंगे। स्टार्टिंग वाले में हमेशा इसमें हमेशा sp3d2 बनेंगे, और स्टार्टिंग में d1 से d3 तक में हमारे क्या बनेंगे, हमेशा d2sp3, वहां पर भी स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें है, अगर टाइम होता तो हम इसको डिटेल में करते, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्रैश में ये चीज पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर प्लेनर में मैंने d8 का केस बता दिया, वीक लिगेंड में sp3 बनेगा मतलब टेट्राहेड्रल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में d2sp2 बनेगा, मतलब क्या बनेगा हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये मेरा स्क्वायर प्लेनर बनेगा और ये मेरा टेट्राहेड्रल। अब d9 बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पिछले का d7 इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो d9 में हमारा क्या होगा, देखो d9 में हमारा वही केस होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए मुझे क्या चाहिए, एक डी खाली चाहिए, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ तो या तो वो बनेगा sp3 बनता है, या वो बनेगा dsp2 बनेगा, ठीक है, dsp2 बनेगा, या sp2d बनेगा, ठीक है, या sp2d बनेगा, मतलब या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। हमें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो वो उसका तो भाई रुतबा होता है, तो वो क्या चाहता है, वो अपना क्या चाहेगा कि मुझे स्क्वायर प्लेनर ही बनाना है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर बनाने से उसकी स्टेबिलिटी आती है ज्यादा, ठीक है। तो होता क्या है, वो चाहता है मुझे स्क्वायर प्लेनर बनाना है, तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर डी तो खाली है नहीं, तो वो क्या करता है, कहता है भाई मैं तो स्क्वायर प्लेनर बना के रहूंगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का भाई ऐसे बदनामी हो जाएगी। तो वो क्या करता है, बाहर वाला डी ले लेता है, बाहर वाला डी लेके अपना स्क्वायर प्लेनर बना लेता है, बनाऊंगा मैं स्क्वायर प्लेनर ही, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल भी ये दो याद रखना, ठीक है। अगली बात आती है d9, तो हमारा हो गया d9 हो गया, ठीक है। अगर d9 में हमारा वीक फील्ड लिगेंड आएगा वो तो sp3 बनाएगा, बेचारा सीधा सा है, उसको दिख रहा है डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो खुशी से वो sp3 बना के खुश रहेगा, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाला है भाई, उसको शांति नहीं मिलती, वो क्या डी, वो अपना स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा, वो sp2d ही बनाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, और जब d10 आता है, d10 में ऑलवेज टेट्राहेड्रल होगा, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ठीक है। तो जिस में मैं ऑलवेज बोल रहा हूँ, उसमें तुम्हें कभी भी नहीं देखना कि वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ही तुम्हें आंसर बस देना है कि भाई इसके अंदर तो दूसरी चीज पॉसिबल है ही नहीं, चाहे वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगले क्या आते हैं, कन्वर्टेड डी सिस्टम वो होते हैं, देखो चाहे मुझे sp3 बनाना हो चाहे d2sp3 बनाना हो, s की तो मतलब s तो सबसे डिमांड में है, मतलब sp3 में भी आएगा, और अगर मैं d2sp3 बनाऊंगा dsp2 बनाऊंगा, या मैं क्या बनाऊंगा sp2d बनाऊंगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। s तो मेरा कॉमन ही होता है, मतलब s के बिना तो मेरी जिंदगी चल ही नहीं सकती हाइब्रिडाइजेशन में, तो s तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम निकल जीरो में बात कर रहे हैं, ठीक है, निकल जीरो क्या होता है, d8s2, ठीक है, d8s2 है, लेकिन इसमें तो देखो, इसमें हमारा ऐसे ही खाली नहीं है, जो हमारा एक तरह जड़ है पूरी हाइब्रिडाइजेशन की, वो ही खाली नहीं है। तो हमारा क्या होता है, हमारा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आके इनको क्या भेज देता है, पीछे किसमें, 3D में, ठीक है, क्योंकि भाई चलो रास्ता खाली करो, मुझे तो चाहिए भाई, एस तो पक्का खाली चाहिए,
तो क्या करता है, ये खाली करा दिया तो मेरा क्या बन जाता है, sp3। मतलब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी उसे sp3 बनाना पड़ रहा है, मतलब कितने बुरे दिन आ जाते हैं उसके लिए। तो हमारा जब कन्वर्टेड डी सिस्टम आता है, मतलब कि sp खाली ना हो, और वो कब होता है, जब हमारे क्या होता है नॉन, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली होता है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में भी हमारा टेट्राहेड्रल ही बनना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, एग्जांपल इसका हम क्या ले सकते हैं, NiCO4, ठीक है, NiCO4, ठीक है। बहुत प्यारा सा एग्जांपल है ये, इसका ध्यान रखना। अब देखो ये सारे लिखते जाना जो जो यहाँ पर केसेस आ रहे हैं कि इसमें ये होता है नहीं होता, ठीक है, अभी तुम्हारे आगे वो काम आएगा। अगली बात आ जाती है अब CFT की, ठीक है। CFT में बहुत मजेदार चीजें आती है, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना, देखो एक तो मेरा क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक मेरा नीचे 5D बैठे होते हैं, ठीक है, 5D बैठे हुए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, मेरी इंपल्शन होती है, एनर्जी बढ़ती है, तो वो मेरा क्या एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं 5D, ठीक है, 5D मेरे एक्साइटेड स्टेट में चले गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, दो ऊपर चले जाते हैं ईजी में और 3 नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये ऊपर चले गए, ये नीचे। अब देखो सबसे ज्यादा एनर्जी मेरी किसकी है, ईजी की, ये मेरा ईजी होता है, ठीक है, सबसे ऊपर ही चला गया। दूसरी क्या है, डी एक्साइटेड स्टेट, ये मेरी डी एक्साइटेड स्टेट है। तीसरा क्या है, T2G, ये मेरा T2G होता है, पता है तुम्हें। और लास्ट में क्या है, डी ग्राउंड स्टेट, ये मेरी ग्राउंड स्टेट होती है। तो अगर एनर्जी ऑर्डर में लगाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ईजी की सबसे ज्यादा, फिर डी एक्साइटेड स्टेट, फिर T2G और लास्ट में ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये एक्साइटेशन कैसे होती है ये समझ लो, ये डी ऑर्बिटल्स बैठे हैं मेरे, ठीक है, मेरे इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गए DZ² वाले, ठीक है, DZ² वाले हो गए, और दो मेरे कौन से हो जाते हैं, डी, वही बता रहा हूँ ना, एक्साइटेशन में इसलिए जाता है क्योंकि क्या होता है, देखो ये एक बात बताओ, रिपल्शन से हमारी एनर्जी बढ़ती है, ये बताओ बढ़ती है नहीं बढ़ती, जब रिपल्शन फील होती है तो एक्साइटेशन बढ़ती है ना, जल्दी बताओ, रिपल्शन से एक्साइटेशन बढ़ती है ना, एनर्जी बढ़ती है ना सिस्टम की, ठीक है। तो एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, रिपल्शन। अब रिपल्शन क्यों हो रही है, देखो मेरे जो लिगेंड्स आ रहे हैं उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, लिगेंड मतलब नेगेटिव चार्ज ही बोलते हैं हम जनरली जो बोलते हैं, या लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो मेरे ऑर्बिटल्स होते हैं उन पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब लिगेंड्स दूर होते हैं, ठीक है, दूर होते हैं तो क्या होता है, सारे लिगेंड्स, सारे यहाँ पे ऑर्बिटल्स होते हैं वो दूर से देख रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं भाई ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और मैं भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो इनमें क्या होता है, रिपल्शन फील होती है, ठीक है, रिपल्शन की वजह से सबकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, सबकी एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन होता क्या है, देखो तुम्हें पता होगा, एक तो होते हैं हमारे DZ² होता है, ठीक है, एक DZ² होता है, एक DX² - Y² होता है, ठीक है, एक मेरा DXY होता है, ठीक है, एक DYZ होता है और DXZ होता है, ठीक है, ये हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं डी, और ये जो होते हैं हमारे ये एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। एक्सिस मतलब क्या हो गया, जैसे मेरा अगर मान लो ये है तो मेरे ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एक्सिस पे, ठीक है, और जो मेरे ये होते हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, मतलब ये हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है, ये हमारे बीच में होते हैं एक्सिस के, ठीक है। तो होता क्या है, ये जब लिगेंड आ रहा होता है, अप्रोच कर रहा होता है लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कहाँ से आ रहा होता है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वो टूवर्ड्स एक्सिस आ रहा होता है, ये जो मेरी एक्सिस होती है ना यहाँ से आ रहे होते हैं लिगेंड, ये मेरे एक्सिस है, ठीक है। तो होता क्या है, जब दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, एक बात बताओ, जब तुम स्टेशन पे खड़े होते हो, याद करो स्टेशन पे खड़े होते हो तो तुम्हें कैसा लगता है, जब ट्रेन आ रही होती है दूर, बहुत दूर होती है, तो तुम्हें क्या लगता है, ट्रेन मेरी तरफ ही आ रही है, चाहे वो दूसरी पटरी पे आ रही हो, तुम्हें लगता है मेरी तरफ ही आ रही है, क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, उस टाइम पर क्या लगता है, वो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में इन पांचों लिगेंड को क्या लगता है, ये मेरी तरफ आ रहे हैं लिगेंड, तो पांचों के पांचों में एक्साइटेशन आ जाती है, एक्साइटेशन मतलब एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि रिपल्शन फील करने लगते हैं, मतलब डरने लगते हैं, एक्साइटेड हो गए। फिर क्या होता है, फिर जब वो पास आ जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है, अरे ये तो एक्सिस की तरफ आ रहे थे, जो हम नॉन एक्सिस वाले थे, मतलब कि ये हम तो बेफालतू में ऊपर एक्साइट हो गए, मतलब हमने हमें तो इतनी रिपल्शन हो ही नहीं रही थी,
फिर वो क्या करते हैं, फिर क्या होता है, और लेकिन जो डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले थे और जो मतलब जो अलोंग द एक्सिस थे, ठीक है, उन्हें पता चलता है भाई ये तो हमारी तरफ ही आ गए, वो और एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब उन्हें और रिपल्शन फील होने लग जाती है और वो और ज्यादा ही हायर एनर्जी में चले जाते हैं। हायर एनर्जी मतलब वही हो गया, रिपल्शन मतलब हायर एनर्जी हो जाता है, और जो ये थे वो थोड़े से शांत हो जाते हैं, भाई हमारी तरफ तो ये आ ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये वाली जो एक्साइटेशन होती है वो तब होती है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब लिगेंड होता है बहुत दूर, ठीक है, और ये कब होती है, जब ये आगे स्प्लिट होता है, वो कब होता है, जब वो लिगेंड्स पास आ जाते हैं, मतलब ये मेरा केस हो गया फार फील्ड का, फार फील्ड मतलब जब दूर वाली फील्ड, और ये मेरी क्या हो जाती है नियर फील्ड, नियर फील्ड मतलब जब लिगेंड्स सच्ची में पास पहुंच गए हैं, जब तुम्हें पता चल गया गाड़ी तो मेरी तरफ ही आ रही थी और दूसरे को पता चल गया गाड़ी मेरी तरफ तो आ ही नहीं रही थी एक्चुअल में, ठीक है, आई बात समझ में। ईजी और टी टू जी बस नाम है, ईजी हमारे इन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं जो हमारे अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक है, और टी टू जी हम उनको बोलते हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ये ग्रुप थ्योरी से आता है, ठीक है, ग्रुप थ्योरी से आता है, तो तुम्हें उससे मतलब नहीं होता। ई का मतलब होता है डबली डीजनरेट और टी का मतलब ट्रिपली, डबली मतलब दो, ट्रिपली मतलब तीन, ठीक है। जिराड अनजिराड होता है वो तुम अभी आउट ऑफ तुम्हारा स्कोप है, तो उसको भी तुम छोड़ो, ये तुम्हारा पार्ट नहीं है, तुम्हें बस ये समझना है कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद देखो ये चीज पर भी रहन दो, तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे क्या है ये ध्यान रखना, जो हमारा डेलो होता है, डेलो तुम्हें पता है स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, ठीक है, वो हमारा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल बहुत 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 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेल टी। डेलो मतलब क्या होता है, जब ये मेरा स्प्लिट हुआ ई जी, ठीक है, और टी टू जी में, ठीक है, जब ये मेरा स्प्लिट हो रहा है तो मेरे इनकी बीच की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, डेलो बोलते हैं, ठीक है। ये कितने ज्यादा स्प्लिट हुए उतना ज्यादा डेलो होता है, ठीक है, इस एनर्जी को हम डेलो बोलते हैं। और डेल्टी कब बोलते हैं, जब हम टेट्राहेड्रल लिगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होता है, उस केस में हमारा नीचे कौन आते हैं, टी टू जी ई जी आते हैं और ऊपर टी टू जी जाते हैं, ठीक है, इसमें अपोजिट होता है, तो उस केस में भी हमारी जो बीन दोनों के बीच की एनर्जी होती है उसको हम डेल्टी बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, जब हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, इस गैप को हम डेल्टी बोलते हैं, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इस गैप को हम डेलो बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये हमारा बहुत 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 बड़ा होता है, मतलब डेल्टी की तो कोई औकात ही नहीं है डेलो के सामने, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। अब बात आ रही है वही बात आगे जो हमने वीवीटी में पढ़ी थी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग थ्योरी है, रिजल्ट तो सेम ही देगी, बस उसके अंदर थोड़ी सीएफटी थोड़ी एडवांस थ्योरी है, ठीक है, वीवीटी थी वो थोड़ी सी एक तरह से पिछड़ी हुई थ्योरी है, ठीक है। उसके देखो अब इसके अंदर क्या क्या होता है, ध्यान रखना वही चीज होगी, D1, D2, D3 में लिगेंड की कोई रोल नहीं है, मतलब हाई स्पिन बनेगा लो स्पिन बनेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, D1, D2, D3 में हमेशा मेरा D2 SP3 बनेगा, ये बात ध्यान रखना, लिगेंड को देखना भी नहीं है उससे, मतलब इग्नोर करो उसको, ठीक है। D4 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमारा क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या पेयरिंग करवा देता है, तुम्हें पता ही, और वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाता, ठीक है, तो नो पेयरिंग, और वो रिजल्ट वही आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमारा क्या बनेगा D2 SP3 और इसमें SP3 D2 बनेगा, ठीक है। अब फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, डेलो डेल जो होता है वो मेरा जेड इफेक्टिव पे करता है, कैसे करता है, देखो मान लो ये मेरा मेटल है, ठीक है, मेटल सेंटर में बैठे, लिगेंड बहुत दूर है, ठीक है, लिगेंड जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज होगा जितना ज्यादा, लिगेंड को उतनी लालच मिलेगी पास आने की, ठीक है, वो दूर से मतलब उसे ये दिखेगा चमकता हुआ कि भाई इस पे तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उस पे जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा, तो लिगेंड फटाफट भाग के पास आएगा, फिर ऑर्बिटल, लेकिन देखो हमारा क्या, वो ऑर्बिटल जो कहेंगे वो तो कहेंगे तू पागल है क्या मेटल, तू भाई लिगेंड को पास बुला रहा है, लिगेंड हम नेगेटिव चार्ज होता है, हम नेगेटिव चार्ज हमें बर्बाद कर रहे तू, तो मेटल कह रहा है भाई मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, लिगेंड अपने आप देख के मुझे आया है, ठीक है, मेरा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था तो लिगेंड दौड़ के मेरे पास पहुंच गया, लेकिन उसके बाद आने के बाद क्या होता है, जब वो पास आ जाता है तो क्या होता है, हमारा यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड और जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें रिपल्शन होने लग जाती है, ठीक है, आ तो गया भाग भाग के लालच, दूर से हमें दिखती है लालच, फिर क्या हो गया, हमारा जितना ज्यादा लिगेंड पास आएगा, ठीक है, उतना ज्यादा हमारा क्या हो जाता है, डेल्लो बढ़ जाता है, डेल्लो भी रिपल्शन ही होती है, अब जितना ज्यादा गाड़ी पास आ जाती है हमारी उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब हम ज्यादा ही हायर एनर्जी मतलब अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा लिगेंड पास आ जाता है उतना ज्यादा हमारा डेल्लो बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो जेड इफेक्टिव है उस पर हमारा ये डेल डिपेंड करता है, डेल हमारा इसके बीच का एनर्जी गैप ही होता है, ठीक है, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा हमारा डेल हो जाता है, या मोर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
ठीक है, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, मोर ऑक्सीडेशन मतलब यही होता है कि प्लस चार्ज होता है, ठीक है। रिपीट करो तो सुनो, दोबारा सुनो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये समझना। देखो ये मेरा क्या है, लिगेंड आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरे लिगेंड आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरा मेटल है, ठीक है। मेटल क्या होता है तुम्हें पता है, मेटल क्या होता है इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, जेड इफेक्टिव उनके ज्यादा होते हैं, मतलब उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि तुम्हें पता है एम प्लस वन प्लस टू में रहते हैं, ठीक है। लिगेंड जब दूर है, लिगेंड क्या है, नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन वाला है, ठीक है। एक बात बताओ, मेटल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, करेगा अट्रैक्ट। जितना ज्यादा इसका जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस की पावर, ठीक है, जितनी ज्यादा इसकी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा लिगेंड भागा चला आएगा इसके पास, उतना ही ज्यादा चला आएगा, ठीक है, उतना ही वो उसके अंदर तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। होगा क्या फिर, लेकिन मेटल के पास अंदर तो भाई ऑर्बिटल्स भी पड़े हैं, ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पास तो आ गया, मतलब मेटल ने अपने ऑर्बिटल पे ध्यान ही दिया कि मेरे ऑर्बिटल का क्या होगा, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े, तो लिगेंड जब पास आ गया तो उन्हें दिखा भाई लिगेंड और इन दोनों में भी तो रिपल्शन होगी तगड़ी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी, मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताया था, उतना ही हमारा क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, मतलब जितना गाड़ी हमारी तरफ आ गई, मतलब हमारे बिल्कुल पैरों के पास आ गई, हम उतने अनस्टेबल हो जाते हैं, इतनी ज्यादा हाई एनर्जी हो जाती है, कई बार बेहोशी हो जाते हैं। तो क्या हो गया, जितने ज्यादा हमारा जेड इफेक्टिव हो गया, देखो अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा ना होता तो इतना लिगेंड को पास ना बुलाता अपने, तो ज्यादा पास ना बुलाता तो जो मेरे बीच में स्प्लिट होता है, ठीक है, वो इतना ज्यादा ना होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो डेल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव के होता है, ठीक है। अब देखो हमारा ये जेड इफेक्टिव हमें पता है डाउन द ग्रुप बढ़ता होता है, अगर हम डीप लोक एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, डीप लोक एलिमेंट्स की जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि साइज इतना नहीं बढ़ता, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो हमारा क्या होगा, डेल बढ़ जाता है ट्रांजिशन मेटल के लिए। लेकिन जेड इफेक्टिव कम होता है जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, किसके केस में, फॉर नॉन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, तो नॉन ट्रांजिशन मेटल एस ब्लॉक हो गए, ठीक है, उसके अंदर हमारा डेलो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस पर फोकस इतना नहीं करना, बस फर्स्ट पॉइंट पर फोकस कर लो, क्योंकि तुम्हें बस डीप इसकी बात करनी है, ठीक है। अब आगे बात क्या आती है, अब आगे बात आ रही है हमारा डेल किस किस का, अगर हम ऑर्डर में लगाएं, ठीक है, जो क्लास 12 बजे के बाद बच्चे वो तुम वहां पे बात करो, ये अगर किसी को प्रॉब्लम है क्लास के लिए कि ज्यादा सुबह है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है हमारा, अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो टेट्राहेड्रल में सबसे कम हमारा स्प्लिटिंग होती है, ये समझो जो ये गैप होता है जब स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है, थीके? सबसे ज्यादा हमारा स्क्वायर प्लेनर में होती है, ध्यान रखना, तो सबसे ज्यादा टेट्राहेड्रल में, उसके बाद हमारी ऑक्टाहेड्रल में, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर में, क्यूबिक होती है, ये क्यूबिक तुम छोड़ दो, तुम्हारे आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है। तो तुम्हें इन तीनों का ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, तो ध्यान रखना डेल टी सबसे कम होता है, फिर डेल ओ आता है, फिर डेल एस पी आता है। डेल का मतलब कुछ भी नहीं है, जो ये स्प्लिट हुए हैं, मतलब जो इनके बीच में स्प्लिटिंग हुई है, उनके बीच में एनर्जी गैप, जितना एनर्जी गैप ज्यादा होगा उतना हम डेलो बोलते ज्यादा है, ठीक है। मतलब हमारा ये लगा लो कि एसपी में इतना ज्यादा गैप आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जब हम डेलो में जा रहे हैं तो गैप इतना आ रहा है, ए इतना, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, डेलो और छोटा हो जाता है, ठीक है। आगे बात क्या आती है, देखो अब बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात ध्यान रखना। अब बात आ रही थी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने उसका बिल्कुल एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, कोई बुक में नहीं मिलेगा ये, ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से पता चलता है, ठीक है। तो देखो अगर मेरा मेटल प्लस टू में है, ठीक है, कोई भी मेटल है, ठीक है, वो प्लस टू में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ध्यान रखना एच टू से कम वाले सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है, एच टू से ज्यादा वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। जब प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे हम, ठीक है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे तो हमारा क्या होता है, एच टू ओ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ये इसके अंदर क्या था, एच टू हमारा पक्का वीक था, ठीक है, एच टू हमारा पक्का वीक था, और ये क्या है, यहाँ पर एच टू मेरा क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है, लेकिन किस केस में, बस कोबाल्ट प्लस थ्री में, बाकी सब में वो अभी भी वीक है, ठीक है, कोबाल्ट प्लस थ्री के केस में वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ये तो हमारे पहले भी स्ट्रॉन्ग थे। जब हम बात करते हैं प्लस फोर में, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाता है, कोई भी लिगेंड हो, ठीक है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं, कोई भी लिगेंड हो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब चाहे फ्लोरीन आ जाए चाहे आयोडीन आ जाए कोई फर्क नहीं है, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते मेटल की तो तुम्हें सबको एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही देखना, ठीक है।
आगे देखो, जब हम हायर डी सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, हायर डी सीरीज में हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे, मतलब अगर मैं 3D की बात करूं, ठीक है, 4D की बात करूं या 5D की बात करूं, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं हमारा क्या हो जाता है, डेल बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारे, मैंने तुम्हें बताया था, नीचे जाने में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो हमारा डेल वो भी बढ़ेगा, ठीक है, तो वो बढ़ता है, तो हमारे सारे के सारे एक तरह से लगा लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करते हैं, ठीक है, मतलब 5D वाले ये सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेंगे, ठीक। अब बात आ रही है इनकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल की प्रेजेंट में, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वो लिगेंड होगा, ठीक है, तो D8 के केस में वो DSP2 होगा और D9 के केस में क्या होगा, SP2D होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा ही क्या बनेगा, वीक फील्ड लिगेंड ही मानते हैं उसको, ठीक है। अब बात आ रही है CFSC की, हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, अब CFSC पे आ जाओ, कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो CFSC में मेरा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ई ऑक्टाहेड्रल माइनस ई स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड, मतलब क्या, CFSC कुछ भी नहीं है, ये देख लो कि मेरे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो देख लिया, उसके बाद क्या करो, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको -2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस जितने इतने जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं उसको प्लस 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या बन गया, CFSC का फॉर्मूला -2.5 डेलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, ठीक है, प्लस 3/5 डेलो इन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG है, ठीक है, और अगर पेयरिंग एनर्जी का बताना है तो फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रखे हैं, मान लो दो दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रखे हैं या तीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रखे हैं, ठीक है, ये मैंने शायद यहाँ पर उसका बना दे, टेट्राहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल का ये होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें है उसको -2.5 से मल्टीप्लाई, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें है उसको +3.5 से मल्टीप्लाई 3/5 से, और दोनों को ऐड कर दो, और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं, मान लो 1 2 3, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2p, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं उतनी पेयरिंग एनर्जी आ जाती है, ठीक है, एक्चुअल में हम वैसे डेल एन होता है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे केस में जहाँ पर जब वो इनकी तैयारी करवा रहे होते हैं तो वहां पर वो जितने भी होते हैं उन सबको पेयरिंग एनर्जी में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, एक्चुअल में वो ये नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लेवल पे वो इसको यही मानते हैं, ठीक है। अगर हम टेट्राहेड्रल केस में बात करें, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में हमारा क्या होता है, देखो टेट्राहेड्रल में हमें पता है हमारे पेयरिंग वाला ये केस है, देखो मान लो, ठीक है, मान लो मेरे है पेयरिंग वाला, दोबारा बता देता हूँ, देखो मान लो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3, तो अगर मैं CFSC पूछूँ, मेरी CFSC क्या होगी, तो कुछ भी नहीं, -2/5 इंटू कितने हैं 3 डेलो, ये मेरा क्या आंसर आ जाएगा, -6/5, ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, -6/5 डेलो मेरी क्या आ जाएगी, CFSC, ठीक है। अगर अब मैं क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी डाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी, अब मेरी क्या हो जाएगी, देखो -2/5 इंटू 3 डेलो तो हो जाएगी +3/5 इंटू 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और मेरी CFSC 0 आ जाएगी, ठीक है, ये सिंपल हो गया। मान लो अब मेरी इलेक्ट्रॉन आ गई ये भी, ठीक है, ये भी आ गई, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो अब यहाँ पर मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 5 हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2/5 इंटू 5 डाल लो, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस और प्लस, ये तो यही रहेगा, ठीक है, और प्लस में कितनी पेयरिंग एनर्जी आ जाएगी, देखो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो +2p भी आंसर में आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, -10, 5 से 5 कट गया तो -2 डेल ओ +6/5 डेल ओ +2p, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं वो उसकी पेयरिंग एनर्जी में काउंट हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने के आगे 1 2 3 लग जाएगा और पेयरिंग पी से दिखा देंगे, ठीक है,
बात आ रही है जेटीडी की, ये देखो ये टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल में तुम्हें पता है मेरे इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़े भी जाते हैं, ठीक है ऐसे और ऐसे, ठीक है तो यहाँ पर भी मेरे वही सीन है, लेकिन अब क्या हो जाता है नीचे वाले मेरी वैल्यू क्या हो जाती है -3/5, ठीक है और इसमें मेरी वैल्यू क्या हो जाती है 2/5, ठीक है जस्ट उसका उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही भरेंगे। इसमें ध्यान रखना कभी भी पेयरिंग नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 ऐसे भरे जाते हैं, ठीक है इस केस में स्ट्रो हमेशा ही सबको हम क्या वीक फील्ड लिगेंड की तरह मानते हैं क्योंकि वो टेट्राहेड्रल फील्ड है, वो बहुत ही वीक होती है, ठीक है तो इसमें कभी भी फोर्स पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है तो आगे देखो जेटीडी की बात होती है। देखो जेटीडी तुम्हारे वैसे सिलेबस में नहीं हुआ करता था, लेकिन एक साल में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है 2016 में आ चुका है, ठीक है तो उसका मतलब ये आ सकता है दोबारा, तो जेटीडी बस ये तुम्हारे लिए इतना मतलब है किस में होगी किस में नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना जब भी तुम्हारा अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, ठीक है अनसिमेट्रिकली फील्ड ऑर्बिटल होंगे तो हमारी जेटीडी होगी, ठीक है अनसिमेट्रिकल मतलब क्या हो गया, देखो अनसिमेट्रिकल मतलब ये मान लो मेरा T2G है और ये EG है, ठीक है या तो एक भरा हो ये मेरा अनसिमेट्रिकल है, चाहे दो भरा हो, ठीक है जब मैं तीन भर दूंगा वो सिमेट्रिकल हो गए, तो टी इसमें T3 में नहीं होगा, मतलब T2G में अगर तीन और भी इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसमें नहीं शो होगी जेटीडी, ठीक है तो एक में शो होगा, दो में होगा, तीन में नहीं होगा। फिर देखो अगर मैं चार, अब मेरे चार हो गए, ठीक है तो अब मेरा क्या हो गया EG1 का केस हो गया, ठीक है ये अनसिमेट्रिकल है तो इसमें होगा, अब देखो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, अब मैं एक और भर दूंगा इसमें नहीं होगा, मतलब क्या हो गया मेरा या तो T2G1 हो, T2G2 हो, T2G4 हो, T2G5 हो, EG1 हो और EG3 हो, ठीक है इन केस में बस JTT होगा, बाकी इसमें नहीं होता, ठीक है ये Z in और Z out होता है, तुम्हारे लिए इतना अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बस ये समझ लो मेरा क्या होता है Z out में, Z out जो होता है मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है DZ² में जाता है, ठीक है Z out में, ठीक है और मेरा Z in में इलेक्ट्रॉन जाता है मेरा X² - Y² में, ठीक है बस इतना ध्यान रख लेना Z out में हमारा कहाँ जाता है इसमें DZ² में, और Z in में मेरा कहाँ जाता है DX² - Y² में, ठीक है बस इतना तुम्हारे सफिशियंट है। अब बात आ रही है कि ज्यादा JTD किस में होगी, ठीक है JTD भी एक डिस्टोर्शन है, ठीक है जॉन टेलर डिस्टोर्शन है, ठीक है जॉन टेलर डिस्टोर्शन, ठीक है वो क्या होता है सुन लो, चलो तुम्हारे माइंड में आ रहा हो क्या होता है, देखो सुनो हल्का सा बता देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा इस टाइम पर। देखो सबसे पहले मेरे पांच थे, ठीक है पांच डी ऑर्बिटल थे, ठीक है वो क्या हो गए JTD बता रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में नहीं था पहले तो अभी भी नहीं है, लेकिन एक साल क्वेश्चन आ गया इस पे, ठीक है तो उसकी वजह से थोड़ा सा आइडिया ले लो बस, शायद वो गलती से ही आया था लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। तुम्हें मैंने जो बताया है कि JTD वो तुमसे बस इतना पूछ सकता है कि किस में होगा, वो मैंने तुम्हें केसेस बता दिए किस में होगा जिसमें अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, ठीक है सिलेबस में तुम्हारे नहीं था लेकिन एक साल क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, या गलती से दे दिया क्या हुआ है हमें पता नहीं, लेकिन हमें उस हिसाब से फिर भी एक बार जितना उन्होंने पूछा उतना तो आना चाहिए, ठीक है देखो ये मेरा डी ऑर्बिटल्स थे, ठीक है आराम से खुशी वाले रह रहे थे, खुश होके अपना घर पे रहते थे, ठीक है फिर क्या हुआ लिगेंड का आना हुआ, लिगेंड के आने से वो क्या हुआ एक्साइट हो गए, ठीक है लिगेंड का आना हुआ एक्साइट हो गए, अभी मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई थी, ठीक है उसके बाद क्या हुआ जब लिगेंड और पास आए तो उन्हें पता चला भाई हमारी तरफ ही आ रहे थे, ठीक है और आगे और स्प्लिट हो गए, ठीक है उसके बाद क्या हुआ देखो मान लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है नीचे वाले मेरे भरे हुए हैं, ठीक है ऊपर वाले में आ जाओ तुम, ऊपर वाला मेरा क्या एक इलेक्ट्रॉन है, अब दिक्कत ये आ रही है कि इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा या इसमें रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है DZ² हमारा कहाँ होता है इस लोब में होता है, ठीक है और DXY कहाँ होता है मेरा वो उसके जस्ट परपेंडिकुलर इस प्लेन में होता है जो नीचे मेरा ये वाला प्लेन है, ठीक है DX²-Y² मेरे इस प्लेन में होते हैं, ठीक है तब होगा क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मेरा जो अनसिमेट्रिकली फील्ड है मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है वो DZ² में जाएगा या DX²-Y² में जाएगा, ठीक है अब इस पर डिपेंड करते हैं,
होता क्या है, दोनों में तुम्हें ये पता है दोनों अलग अलग से, अलग से कहते हैं, इसके अंदर हमारी 8 लोग होती है, इसके अंदर 4 लोग होती है, ठीक है। और जब हम इनकी बात करते हैं नीचे वालों की, ये बेचारे सेम से है, बस उनकी ओरिएंटेशन में फर्क है, ठीक है। इन दोनों में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस कैसे आ जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है ये कितने लोब से बना होता है, 8 लोब से, और ये कितने 4 लोब से, मतलब उनकी शक्ल भी अलग ही है, ठीक है। इसमें रिंग भी होती है, उनमें कुछ भी नहीं होता, मतलब इनका बिल्कुल अलग है। अब लड़ाई होती है कि भाई मैं इसमें जाऊंगा DZ² में जाऊंगा या DX² - Y² में जाऊंगा, ऐसे उनकी लड़ाई हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमें पता है, देखो तो हमें पता है कि दोनों की शेप डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रॉन किस में रहना पसंद करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। कब होती है, जब अनसिमेट्रिकल फील्ड हो, जब एक एक दोनों को मिल जाए तो कोई लड़ाई नहीं, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल फील्ड होने में लड़ाई हो जाती है, फिर हमारा इन दोनों में भी स्प्लिट, मतलब बंटवारे हो जाते हैं, ठीक है, एक नीचे चला जाता है और एक ऊपर चला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसी को हम JTT बोलते हैं, जब इनके बीच में भी लड़ाइयाँ हो जाए, ठीक है, जो हमने अभी स्प्लिट करके बनाए थे, और स्प्लिट होने की वजह से इनमें क्या हो जाए, अब एक डिस्टोर्शन आ गया। डिस्टोर्शन मतलब क्या हो गया, ये भी आगे टूट गए, उसी को हम JTT बोलते हैं, ठीक है। तो JTT किस में देखा जाता है, बस ये समझ लो, JTT हम देखते हैं जब अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, ठीक है, जब हमारी क्या हो, ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली, तो ये ध्यान रखना, ये केस सारे क्या होते हैं, JTT, ठीक है। इसको अगर तुम ऐसे लिख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख लो तुम, ठीक है। ये तो मेरे केस हो गए ये वाले, ठीक है, ये तो मेरे नॉर्मल केस हो गए, इनको तुम ऐसे लिख सकते हो T2G 3EG1, ठीक है, तुम्हें वरना कंफ्यूजन हो सकती है, और इसको काट दो, और कैसे लिख सकते हो, ठीक है, T2G 6EG1, ठीक है, ये मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन ही लिख दी, ठीक है। फिर मेरा अगला क्या आ गया, T2G 6EG 3, ये मेरे सारे केसेस हैं जिसके अंदर JTT शो होगा। तुम्हें बस इतना, इससे ज्यादा नहीं सीखना, बस तुम्हें देखना है कि कहाँ अनसिमेट्रिकली फील्ड है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे देखो अनसिमेट्रिकली फील्ड है, ठीक है, इस वजह से हो रहे हैं, बस ये समझो JTT क्या है, आगे वो टूट जाना उनका, उसी को हम JTT बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इसके, फिर बोल रहा हूँ तुम्हारे सिलेबस में मैंशन नहीं है, लेकिन एक साल पेपर में आ गया, तो इस वजह से तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए किस किस में शो होगा, किस में नहीं होगा, ठीक है। और अब बात आती है कि किस में ज्यादा होगा, ठीक है, वो भी तुम एक स्टेप हमें आगे सीख लेना चाहिए कि किस में ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, देखो जो मेरा ईजी है, ठीक है, ईजी वाले केस है जिसमें ईजी अनसिमेट्रिकली फील्ड है, उनमें T2G अनसिमेट्रिकल से ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे पहली बात ये होगी। अगली बात क्या है, अगर मैं ईजी में आपस में कंपेयर करूं, जब मेरा EG1 था उसमें कम होगा एज कम्पेयर टू EG3, ठीक है। देखो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा फूट होगी, मतलब जितने ज्यादा पैसे होते हैं लोगों पे उतने ज्यादा उन भाइयों में लड़ाइयाँ होती है, ठीक है। तो ईजी जब 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरा कैसे फील होता है, देखो एक तो ये मेरा हो गया T2G, तो मेरा पूरा ही फील होगा, ठीक है, इसको तो ये तो सिमेट्रिकल ही होगा, चाहे हाफ फील्ड हो चाहे फुली फील्ड हो, ठीक है, तो सिमेट्रिकल हो गया, तभी हम ईजी में पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, मान लो मेरा एक है, ठीक है, और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है मेरा जिसके अंदर ये 3 है, ठीक है, 1 2 3। अब बात आती है कि किस में ज्यादा JTD शो होगा, JTD उसमें ज्यादा शो होगा जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन EG3 वाले में है, इसमें कम है, तो JTD इसमें शो होगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा पैसा ज्यादा भाइयों के बीच में फूट होगा, ठीक है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना। देखो अब इसके अंदर देखो, विच विल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गेस्ट JTD, ये क्वेश्चन है, ठीक है। Fe2+ है, Fe2+ मेरा कैसा होता है, हमारा D6 होता है, और D6 वो भी वीक फील्ड लिगेंड है, H2 मैंने बताया था +2 में क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, कैसा भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें होगा, लेकिन एक है अनसिमेट्रिकली मेरा T2G भरा हुआ, T2G मुझे पता है, T2G हमारा क्या होता है, कम शो करता है JTD एज कम्पेयर टू EG। निकल वाले में आ जाओ, ये तो मेरा D8 हो गया, ठीक है, D8 तो सिमेट्रिकली फील्ड होगा, इसमें तो JTD आएगा ही नहीं। कॉपर में आ जाओ, वो D9 है, वो भी EG3, और EG3 तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया सबसे ज्यादा शो करता है। ये टाइटेनियम है, इसमें क्या मेरा D2 में भी शो होगा, लेकिन वो T2G वाला केस है, T2G में अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो इसमें भी वीक होगा, ठीक है। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग किस में हो जाएगा, कॉपर वाले, ठीक है, बस तुम्हारे लिए एक्सटेंट बता दिया, ये भी एक स्टेप आगे बता दिया, ताकि कभी आ भी जाए तो तुम बता पाओ, ठीक है।
ये तो एक्सटेंट आ गया, अभी एक्सटेंट तुम्हें नहीं पढ़ना, ठीक है? मैं तुम्हें एक तो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी कल तो फिर करेंगे, ठीक है? अब फटाफट बता दो, ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके बीच में मेटल और कार्बन के बीच में कभी बॉन्ड बना होता है, मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट भी बन सकता है और एक्चुअल में भी हो सकता है, ठीक है? तो हमें पता है ये तीनों में तो हमारा क्या होता है, एक बॉन्ड से ज्यादा होते हैं, ठीक है? अगर तुम्हें इनके बारे में नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में तो पता है ना, कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमारा RMZX होता है, सॉरी RMZX होता है, और तुम्हें दिख ही रहा है RMZX के में हमारा क्या, मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये मेरा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। फेरोसिन मेरा क्या होता है, फेरोसिन ये होता है मेरा, देख लो अगर देखना है, ये मेरा मेटल है, ठीक है? ये मेरा Fe का मेटल है और ये मेरी दो साइक्लोपेंटाडाइन है, ठीक है? ये मेरी दो रिंग्स है, फेरोसिन मेरा ये होता है। इसमें क्या होता है, ये इनके सबके साथ लिंक होता है, ठीक है? तो ये हमारा देखो सिंगल बॉन्डेड नहीं है, सबके साथ लिंक होता है, तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें बस RMZX के बारे में पता होना चाहिए कि वो सिंगल बॉन्डेड। सेकंड का क्या होगा, देखो ये बहुत सिंपल है, तो वर्नर थ्योरी पे, वर्नर थ्योरी में तुम्हें साफ ही दिख रहा है कोबाल्ट में जनरली हमारा +3 में होता है, ठीक है? तो +3 में करने के लिए सबसे पहले वो क्या NH3 चाहता है, NH3 मेरे साथ जुड़े, ठीक है? तो इसके अंदर बहुत सिंपल है, तो देखो सबसे पहले केस में हमारा क्या है, 6 NH3 है ही उस पर, तो कोबाल्ट उनके साथ जुड़ लेगा, बाकी 3 Cl बाहर रहेंगे। जब वो आयनिक फॉर्म में रहेंगे बाहर तो वो HgCl का प्रेसिपिटेट बना पाएंगे, जब वो अंदर होते हैं तो वो नहीं बना पाते, ठीक है? तो सबसे पहले केस में तो 6 NH3 मिल ही रहे हैं, तो भाई वो उन्हीं के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? सबसे पहले कोबाल्ट ये बाहर रह गए, और बाहर वाले हमारे क्या होते हैं, वो आयंस में टूट सकते हैं, अगर आयंस में टूट जाएंगे तो वो Ag के साथ मिल जाएंगे। इस केस में अगले में क्या होता है, हमारे पास 5 NH3 है, तो छठा बॉन्ड उसे Cl के साथ मजबूरी में बनाना पड़ेगा, तो वो बना तो लिया, लेकिन अब मेरे पास आयनिक फॉर्म में Cl कितने रह गए, 2, तो मुझे 2 AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसमें हमें बस 1 मिलेगा, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ये बता दो इसका आंसर क्या होगा, ये तुम जल्दी तभी दे पाओगे अगर जो मैंने अभी तुम्हें सब समझाया है उसके बेसिस पे आंसर करो। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, Mn क्या है, Mn3+ है, ठीक है? तो Mn3+ हमारा हो गया अगर, तो Mn3+ में हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, D4, अगर D4 हो गई तो हमारा क्या होगा, वो CN हमारा स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो वो पेयरिंग करवा देगा, तो पेयरिंग करवा देगा तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो नीचे बना ही होगा, वहीं दिखा देता हूँ, पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है? जितना उसे चाहिए, सब पेयर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, जितने उसे सफिशियंट है, मतलब ये नहीं कि सबको पेयर करवा देगा, जितने उसके लिए ज़रूरतमंद है, ठीक है? तो फिर क्या हो जाएगा, ये मेरे क्या बन जाएंगे, D2SP3 मिल के हमारे बॉन्ड बना लेंगे, और मेरा क्या आंसर हो जाएगा, इसका B हो जाएगा, ठीक है? अगले पे आ जाओ, देखो अभी ये आ गया, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन आया था जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसका मुझे बता दो आंसर क्या होगा, 6th का आंसर बता दो। तुम्हें बस ये देखना है कि सिमेट्रिकली फील्ड किसमें है, उसमें हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं होगा, यही JTDE है जो तुम बोल रहे थे, JTE इफेक्ट को ही हम JTDE बोलते हैं, ठीक है? ये देखो 2016 में आ रहा है क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है? तो तुम्हें पता है जो D8 होता है उसके अंदर हमारा सिमेट्रिकली फील्ड होता है, तो उसमें शो नहीं होगा, ठीक है? 9th बता दो, ये मैंने तुम्हें अभी अभी कराया था, ये मेरा क्या D8 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारा क्या होता है, भाई C वाले कहाँ से आ गए, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, C में तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है, मैंने अभी केस करवाया था, ये देखते ही आंसर है इनके, कुछ बनाना बनाना कुछ भी नहीं पड़ेगा, सीधा केस देखो D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में हमारा क्या बनाता है, ठीक है? तो D8 तो सिंपल सा है, देख लो एक बार फिर भी, देखो हमारा क्या है 8 है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हमारा क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN, वो क्या इसकी पेयरिंग करवा देगा, और मुझे एक ही D चाहिए था, तो मेरा DSP2 बन जाएगा, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया D। 9th का क्या होगा, सिंपल सा है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो हम आयरन को हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर फेरेट बोलते हैं, ठीक है? तो ये 6 हमारे क्या है, साइनाइड, तो हेक्सा साइनाइड हो फेरेट,
एफ के लिए अगर हम नेगेटिव आइन हो तो हम फेरेट यूज करते हैं, 3+ में है तो 3+, तो आंसर क्या हो गया हमारा सी। ठीक है लास्ट क्वेश्चन कर दो ये वाला, टेंथ बता दो। EN मेरा होता है इथाइलिन डायमीन, ठीक है, और C2O4 होता है हमारा ऑक्सलेट, तो नंबर ऑफ सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, EN हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है, और जब C2O4 होता है वो 2- होता है, मैंने बता दिया ये न्यूट्रल है, ठीक है, और दो तरह के दो ये इथाइलिन डायमीन है तो दो ये कोऑर्डिनेशन शो करता है, ठीक है, और C2O4 ये मेरा क्या होता है ऑक्सलेट जिसपे चार्ज होता है 2-, और ये भी दो दो से करता है, ठीक है, तो हमारा इसका क्या बन जाएगा, देखो इसमें मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं दिखी रही है x, इसका 2 होता है x -2 = -1, x = +3 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया इथाइलिन डायमीन दो शो करता है एक, तो ये दो है तो 2 × 2 = 4 हो गया, और ये भी दो करता है तो 6 हो गया, तो 6 + 3 कितना हो गया हमारा 9 हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक्स जो तुम्हारी थोड़ी बहुत आती है सीओ स्ट्रेटिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है।